मीडिया को विशेष मना कर दी है। 35 साल का मेरा बेटा था और कई बातें होती थी तो मुझे ऐसा लगता था, ये आज भी लगता है, वो मुझे नहीं पहचाना, मुझे नहीं समझा। ये माँ को लगता है कि मुझे समझाई, लेकिन उसकी 6 साल की बेटी थी जब मैं समाज कल्याण बोर्ड के काम से मकान से अलग होकर दूसरी जगह रहने आई। मेरा बेटा बहुत दुखी था, बोला उस और खास करके उसको बेटी से बात करता था, मेरी मम्मी चली गई अब मुझे कौन खिलाएगा क्या। वो छोटी 6 साल की बच्ची ने अपने दोनों पांव फैला दिए और फैला के कहा, पापा इस पे सो जाओ, इतनी पतली तुम्हारी लड़की, इस पे सो जाओ, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, मम्मी मम्मी खेलते हैं। और मुझे विश्वास है कि उसको मेरे स्पर्श से भी ज्यादा वो जो मम्मी बनी थी उसका स्पर्श आ रही थी, उसको इतना संतोष मिला होगा, सुख मिला होगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने तो कहा कि पिता के साथ भेजिए। अक्सर हम जानते हैं कि बेटियां अपने पिता के ज्यादा करीब होती, माँ तो प्यार दुलार करती है लेकिन बेटियां इनको ज्यादा महंगी थी। एक आपको कहानी सुनाती, कहानीकार हूँ। आज से 72 साल पहले एक घटना घटी बिहार में, और वो घटना ये घटी कि एक स्त्री गर्भवती हुई तो जैसा उसको लगा उस स्त्री की उम्र हो गई थी 40 वर्ष, और उस समय 40 वर्ष में भी बच्चा होना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसको शर्म इसलिए आई कि बड़ी बेटी की शादी हो गई, और तो लेकिन पति को नहीं मालूम था ये गर्भवती। तो अगल बगल की तो वो भी महिलाएं थी, आके पति से बताए कि आपके घर में क्या हो रहा है मालूम है, बोले क्या हो रहा है घर में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा आपकी पत्नी ये जो दवा होती है ना जड़ी बूटी वगैरह की वो मंगवा के खाली है। खाली है क्या हुआ उसको? तो नहीं, वो गर्भवती थी और बच्चा खराब करने के लिए उसने दवा खाई। उस गांव का वो पहला पति था, आज से 72 साल पहले उस गांव का वो पहला पति अपनी पत्नी को शहर ले गया, वहां रखा, दवा दिया और बेटी को बचा। और बेटी को बचाया ही नहीं, जब बेटी 8 साल की हुई तो उस बेटी को वो पहला पिता था जो अपने इलाके में कोई बेटी छात्रावास नहीं गई थी, छात्रावास में भेजकर पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, आगे आगे बढ़ाया। वह पिता कोई और नहीं, वो मेरा पिता था। बहुत सुंदर। बचाया अपने दम पर, पत्नी नहीं तैयार थी, जबरदस्ती दवा खिला के बेटा है बेटी है, बेटी समझ के नहीं बचा लिया। और अपने साथ ये लड़कों का कपड़ा पैंट शर्ट इस तरह पहनाया, पहना के बाहर ले जाना, पढ़े लिखे थे, कहीं कहीं मीटिंग में जाते थे। एक दिन उनको उसी दादी ने कहा, धीरे से कान में कहा, बेटी देखने में सुंदर नहीं है, आप दुनिया को दिखा दिए। मतलब वो शहर में जाते थे, उनकी चाची ने कहा आपने दुनिया को दिखा दिया, इससे शादी कौन करे। बहुत सारी समस्याएं थी उनके सामने भी आती थी, लेकिन वो किसी के नहीं सुनते थे, मेरी बेटी पढ़ेगी, मेरी बेटी डांस सीखेगी, मेरी बेटी एनसीसी में जाएगी, सब कुछ, मेरी बेटी चुनाव लड़ेगी। तो कहने का अभिप्राय कि आज से 72 साल पहले किसी पिता ने पत्नी की मर्जी के विरुद्ध यह कदम उठाया, तो मैं अपने को सोच सकते हैं कि भाग्यशाली सौभाग्यशाली कहते मानू। और एक बात और, यह एक मानसिकता की बात है। जब मैं समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष थी तो हमने कहा कि चलो ठीक है, हम एक नारा देते हैं, दो चार नारा मैंने दिया, एक तो था कि
जननी को जन्मने दो, जननी को जीने दो, जननी को जन्मने दो, जननी को जीने दो। जो स्वयं जननी बनने वाली है, किसी को जन्म देगी, उसको जी, उसको जन्मने दो। लेकिन जब वो जन्म जाती है तो उसको जीने दो। जीने दो का मतलब है सब कुछ दो। उत्तराखंड में तो सारे ने पूरा इसको लिखवा दिया था, हमारा नाना साहब बहुत ज्यादा आंदोलन के रूप में हुआ। देखिए, एक तरफ भ्रूण हत्या हो, दूसरी तरफ नए फैशन में लोग बहुत सारी गलतियां कर रहे। कोई कोई सज्जन आते हैं, महिला भी आती है, कहती है मैं अपनी बेटी को बेटा के बराबर मानती हूँ, मैं अपनी बेटी को बेटा करके पुकारती है, क्या बोलना बंद कर दीजिए, मैं क्या कहूँ। की बात हो रही है, उसी की बात नहीं मानी जा रही। तो हमने सोचा क्या करना है। हाँ, तो वो लोग आते हैं, पुरुष लोग कहते हैं मैं तो बेटा ही करता हूँ, बेटा के समान मैं बेटा बेटा ही करता हूँ, और बेटा के समान मानकर पालता पोसता हूँ, प्यार दुलार देता हूँ। मुझे बात ही अच्छी नहीं लगती, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई कभी प्यार गुलार या कुछ में अपने बेटा को बेटी कह सकता है? बेटा को भी प्यार गुलार करके कहना चाहिए, तू तो मेरे बेटी बराबर। कोई नहीं करता, कभी कभी चाय बना देता है तो कहता है तो इसे तो बेटी से तो मेरा बेटा ये चाय थोड़ा सा ऐसा कर। जिस समय हम बेटा को बेटी को बेटा कहना शुरू करते हैं, इस समय हमारी जो मानसिकता है बेटी से बेटा बड़ा है, तो तू मेरे बेटा समान, बेटी बेटी, बेटी बेटा नहीं। बेटी नहीं बनने में उसके अंदर बहुत सारा, जैसा आपने गीत में कहा, जैसे सब लोग कहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये किसने दिया? ये प्रकृति ने दिया। प्रकृति ने उसको, मैंने कहना शुरू किया, और मैंने कहा है प्रधानमंत्री को कि ये बेटी बेटा बराबर ये सब कानून की दृष्टि से ठीक है, लेकिन वो विशेष है, इसलिए उसको विशेष शिक्षा चाहिए, विशेष सुरक्षा चाहिए, विशेष सम्मान चाहिए, केवल बराबर नहीं चाहिए। एक बार जब मैं और उत्तर प्रदेश में ही आई थी तो यही विषय लेके आई थी, मन में चिंता थी क्या नारा बनाऊं क्या करूं, तो राजभवन में गई, विष्णुकांत शास्त्री जी थे, तो उन्होंने कहा देखिए मैं समझ रहा हूँ आपके मन में क्या द्वंद है, और उन्होंने मुझे दिया बेटी को दुलार बहू को अधिकार। मैं थोड़ा गर्मी थी कि भाई बहू और बेटी में क्या फर्क होता है, भाषण में क्या कहें, ऐसा क्या कहें जो कन्विंस, बेटी को प्यार बहू को अधिकार। तो एक बात क्लियर हो के आई, हम समाज मन को बदलने का काम करना चाहिए। जब हमने कार्यक्रम बनाया, जैसा ये बता रहे थे सब, अभी मैं उनको लिख के दिया कि आई हूँ प्रधानमंत्री को, 5 इनोवेटिव काम हमने किया, इसलिए कि प्रधानमंत्री और डायरेक्टरेट की इनोवेटिव आइडियाज का बनाया करती थी। तो अभी भी वही बात है, हमारे यहाँ चर्चा होती है, एक चांद के साथ साथ कार्यक्रम बनाया और भी चीजें, तो हमारे लोग कहते हैं अरे मैडम आप बोलती थी यही तो प्रधानमंत्री बोल रहे। अरे हमने कहा एक ही खानदान है, एक ही मंच है, एक दो परिवार है, वहां बैठ के जो चर्चा होती तो एक ही थिंकिंग है। तो अभी मैं देखिए, एक इन्होंने कहा नहीं सिंह भूल गए सर, एक उन्होंने कार्यक्रम बनाया था आज धरले से, गवर्नमेंट ने उसको, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ले लिया, वो है कन्या जन्मोत्सव। और वो कन्या जन्मोत्सव इसी भाव से कि अभी प्रधानमंत्री को ये नोट भी कर रहे थे, अभी व्याख्या के सब लिखित भी दिया है, और एक गांव में, एक शहर में, एक एरिया में साल भर के अंदर 6 महीने के अंदर जो बेटियां जन्म दी, आप अपनी संस्था की ओर से बनाए, और उन बेटी के माता पिता और बेटी बच्चियों को बुलाई, बहुत सुंदर, उन बच्चियों उनको लड्डू बांटना है, गीत गाना है, नाचना है, गाना है, उनका जो
टीका लगा के नहीं, ये सारे डॉक्टर को भी बुलाइए, दोनों के हेल्थ का भी चेकअप होगा। मेन है कि बेटी का भी जन्मोत्सव मनाया जाएगा हमारे सारे देश में, समाज के मन को बदलना होगा तो रीति रिवाज में परिवर्तन लाना, क्योंकि रीति रिवाज के कारण ही बेटियां छोटी हुए। बेटा बेल का पेड़ देखा है ना, बेल फल, बेल तो बेल में जो बड़ा बेल बनता है तो सब लोग कहते हैं बेल है, छोटा सा बेल बेल हो गया किसी कारण उसको कहता है बेटिया, मतलब ये लड़की हो ये स्त्रीलिंग है बेलिया छोटी रह गया। अभी मेरे यहाँ भी बेल का पेड़ ऐसे ही था, छोटा सा था गिरा, मेरे ख्याल लोग को अभी किसी को गाँव में रहे तो भाई बेलिया बड़ा वाला जो बेल। अब इस मानसिकता को बदलो, हमने समाज में बोर्ड के अध्यक्ष करते हुए पता किया बेटी के जन्म पर बिहार में सोहर नहीं गाया जाता, उत्तर प्रदेश में थाली नहीं बजाई जाती, और महाराष्ट्र और गुजरात में बेटी के जन्म पर जलेबी और बेटा के जन्म पर लड्डू बांटा जाता। तो ये डिफरेंसेस जो है वही से शुरू कर दिया, और इसमें कोई महिलाएं इसको करती थी। यदि समाज के मन को बदलना है तो ये रीति रिवाज में बदलाव, तो हमें कहा कि कन्या जन्मोत्सव बनाओ, सोहर गाओ, बढ़ावा गाओ, खिलाओ भाभी हलुआ बेटी हुई है, पहनाओ भाभी कंगना बेटी हुई है। बेटी हुई तो फिर कंगना नहीं मांगना, मेरी जो छोटी हुई मेरी बेटी बहुत गाती है गीत गाए हैं बड़ी, तो उसको मैंने कहा इस सोहर सब बदलो और गाओ। अच्छा आपको आश्चर्य होगा मैंने अपनी बेटी को सारे गीत सिखाए, एक गीत में सोहर में बिहार का गीत, वो गीत में ये है कि धनी है सोना में मार है वो तो हर को किया, समझते हो आपको समझ जी बिल्कुल, जा ही को की बेटा भे बेटा से पुतो हा बेला बस हर मोड़ा भर बसर भर गया तुम्हारे कोख में बेटा हुआ, इसको मैं सोने में मरा दूंगा। गीत है दूसरा भी है, धनी है भूसा बेटा सर वो तो हर को किया, जा ही को की बेटी बेला बेटी से। हम लोग आज का जो साइंस है रूम में जांच करने का उसको दूर दे रहे हैं, ये तो पता नहीं कब से आ रहा है, ये कैसी मानसिकता है। तो मानसिकता को बदलने की जरूरत है, इसलिए बहुत प्रकार के कार्यक्रम और भी कुमार के सम्मान भोज जैसा इन्होंने कहा, अब ये भी मैं करके आया हूँ उनको। और हम आपको आश्चर्य हुआ कि अभी हमने 7 प्रोग्राम गोवा गवर्नमेंट को दिए, विजयनी जो स्वयं रक्षा करती है अपना रक्षक जो रक्षा करता है उसको, ये सब पुरस्कार और भी 3-4 है वो सब दिया। तो ये सारे पुरस्कार दिए जाएंगे समाज में एक वातावरण बनाना कि बेटी की रक्षा कर, किसी भी स्त्री की रक्षा कर। बहुत कुछ करने की जरूरत है लेकिन बूंद बूंद से सागर भरता है। बेटी आज जल थल नभ पे जा रही है, वो बेटा से विशेष है, वो जल थल नभ पे उसके कदम पड़ रहे हैं, उसके पिता सरकार सब लोग खुश हो रहे हैं जो जिसने जहां उनको मौका दिया है। लेकिन मैं उनको आगाह करती हूँ बेटियों को कि तुम कहीं भी जाओ माँ तुम्हें ही बनना पड़ेगा, इसलिए वो माँ बनने की शिक्षा नहीं दी जाती। और माँ बनने की शिक्षा ये है कि बेटियों जब माँ बनती है तो ज्यादातर जिनको एक बच्चा चाहिए वही भ्रूण हत्या करता है, जहाँ 3-4 बच्चे होते थे मैं नहीं करती अभी 5 बच्चे पैदा करूँ, 2 बच्चे तो चाहिए। उसके मेन कारण जो इसको अब तो गाँव गाँव में जाने लगा भ्रूण हत्या मनाते हैं, लेकिन इसके पीछे यही मानसिकता है कि कम से कम बच्चा रखे एक बच्चा, बहुत जगह तो कहते हैं एक ही बच्चा है,
क्योंकि वो पढ़ लिखकर पढ़ा लिखाया लड़की और लड़का को बराबर। इसलिए मैं सभी स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कहा करती हूँ, यदि बिटिया है विशेष तो बिटिया के लिए विशेष उसका दायित्व है, थोड़ी उसकी शिक्षा भिन्न होनी चाहिए, घर चलाने की भी शिक्षा होनी चाहिए, लड़कों की भी होनी चाहिए। पता नहीं आप लोगों को जो मैं कैलेंडर बनवाया करती थी उसका याद है कि नहीं, एक बनाया था कंप्यूटर पे बैठी है महिला और पति जो है चार बना रहा, लेकिन पेंटर ने कुछ ऐसे बना दिया था ऐसे देख रहा है कंप्यूटर पे बैठी है थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ा सा है। अटल जी को दिखाया है तो अटल जी बोले है ये तो बहुत गुस्सा में ये तो स्वाभाविक नहीं हुआ, अच्छा ये बैठी है कंप्यूटर में हम और उसी तरह हम फोटो लेके गए बड़े खुश हुए, उसको हर महीने जाती थी दिखाती थी ये देखिए महिलाओं का खेत खिलाने का था, उसमें हमने कंडीशन रखा था पुरुष परोसेंगे महिलाएं बैठ के खाएंगी पहले, क्योंकि हम सब जगह जानते हैं कि महिलाएं परोसती हैं अब तो घर साथ बैठ के खाती हैं, लेकिन उनको भी परोसने का अभ्यास हो। तभी मुझे कहा था उन्होंने ये देखिए फोटो खिंचाने के लिए परोसा, अटल जी ने कहा फोटो खिंचाने के लिए परोसा, कुछ लोग तो बातें से उनकी आदत थी कुछ ना कुछ खींच करने का। तो समाज को मन को बदलने के लिए जैसे आपने आज किया और जैसे मैंने कहा कि सेल्फी तो मेरे पिताजी नहीं खींच सके, सेल्फी के लिए पिताजी बचे नहीं है और जब थे तो कैमरा नहीं था, लेकिन मेरे पिताजी ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए बहुत समाज से अलग जाके काम किया। आज बहुत बड़ी संख्या में पिता का योगदान है, चाहे वो किसी भी माँ का भी है, माँ तो है ही उसका योगदान, लेकिन पिता भी आगे बढ़ के बेटी को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा लगता है कि जल्दी ये सब परिवर्तन होगा, लेकिन जो धूत है आगे वो चेतना है। दूसरी एक बात और कहूँ, बराबरी बराबरी की जब बात करते हैं तो प्रकृति ने दोनों को बराबर बना के नहीं दिया, प्रकृति ने भिन्न बनाया, इसलिए बेटी को विशेष शिक्षा है कि कोई भी लड़का लड़की का संबंध है खास के तीन एज के ग्रुप को पुलम पुलम को बताना, अंधेरे अंधेरा लड़के भी अंधेरे में लड़की भी अंधेरे, इसमें यदि तुम्हारा कोई संबंध बनता है ये उसके शारीरिक परिवर्तन के साथ ये सारी इच्छाएं आती है, अंधी है कुछ नहीं समझती है अंधे मन में बहुत सारे, इसलिए तुमको अपने को बचा के रखना है बच के रहना है। यदि एक सेट संबंध होता है तो लड़का तो कुछ नहीं बना, लड़का लड़की का बिगड़ जाता है। ये मैंने अपने पोतियों से खुलम खुले बात की, बेटी जब विदेश जा रही थी खुलम खुले बात की, उसके जान लो पहले उसके बाद जो भी कर, स्कूल में कॉलेज में, इसलिए आज बहुत बड़ी संख्या में विवाह टूट, क्योंकि लड़कियों की शिक्षा ही नहीं घर चलाने की, वो भी इंजीनियर है वो भी पैकेज कमाएगा वो भी पैकेज कमाएगा, पैकेज 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 कितना पैसा, और गुड़गांव जैसी जगह में अब लखनऊ का मुझे मालूम नहीं ये रोड है परिवार हित में नहीं है, मानवता के हित में नहीं है, और बेटियां इसमें अच्छा काम करती हैं, वो जोड़ती हैं, उनकी शिक्षा थोड़ी विशेष होनी बहुत जरूरी है, और बेटियों की शिक्षा से भी जुड़े हैं बेटी बचाओ के साथ है, लेकिन बेसिक जो चीज बच्चों को सिखाना चाहिए लड़कियों को सिखाना चाहिए। मेरी बेटी भी एक बार बैठी थी बाहर से मेरा बेटा आया तो उन्होंने चाय वो कैसे को भी मेरा बेटा चाय आते किसी ने मुझसे नहीं मांगा है चाय बनाओ, ऐसा किसी ने कहा ही नहीं करता न पिता न ससुर को भी कहा चाय, वो बोला ऐसे बोल दिया चाय, मैंने कहा बेटी को तुम जरा चाय बना लो, बहुत देर से पढ़ रही थी फाइनल एग्जाम था, उसने कहा मुझे कि मैं जानती हूँ आप टेलीविजन में बोलती हैं बेटा बेटी बराबर,
अभी आपका बेटा खेल के आया, उसको नहीं कहा मुझे करके चाय। थोड़ी देर उस समय नहीं टोकना चाहिए, उस समय मैंने कहा चाय बना के लाओ। चाय बना के लाए, हम तीनों पिए। भाई ने कहा कि अरे क्या बात है, बहुत अच्छी चाय। तो मैंने कहा कि सुनो मेरे, मैं साइकोलॉजी की प्रोफेसर है, बच्चों की साइकोलॉजी जानती, तुम बहुत देर से पढ़ रही थी, थोड़ा सा ब्रेक चाहिए तुम, और ब्रेक भी ऐसा हो कि मन प्रसन्न हो जाएगी। तुम्हें चाय बनाई, हम लोगों ने पी, तुमको शाबाशी दिया, अब तुम अगला पढ़ोगे सम करोगे तो तुमको ज्यादा खुश। थोड़ा 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 चेंज ऑफ वर्क इज प्ले। वर्क में जो चेंज आता है दैट इज प्ले, वही खेल है। खेल मतलब आनंद देने वाला, खेल का मतलब है आजकल का खेल नहीं, आजकल खेल तो जुआ जैसा हो गया, पता नहीं क्या क्या होता, जुआ भी खेलते हैं लेकिन सब खेल हो गया। खेल का था कि चलो चलो कबड्डी खेलते हैं, चलो कुछ खेलते हैं, और मजा आ गया, थक के आ गए, दोस्तों से लिपट के आ गए, खराब मजा आ गया, तो चलो पढ़ते हैं। तो बेटा और बेटी दोनों को भी, लेकिन बेटी को विशेष, घर गृहस्थी चलाने का थोड़ा 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 उसको बोझ न लगे, ये सारी चीजें भी सिखाते जाने की जरूरत है, ताकि वो बड़े होके वह भ्रूण हत्या नहीं करे, उसको लगे कि बेटी है तो क्या है, मेरी तरह होगी वो। आपके प्रयास को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ, और मुझे बुलाया, मुझे सुने कि कैसी बेटी का